गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? फाइन. आई एम योर क्लास टीचर शोभा शर्मा मैम. ओके, टुडे वी विल लर्न एंड राइट वर्णों वाले शब्द. आपको वर्ण मैंने सिखाए हैं, स्वर सीख लिए अपन ने, व्यंजन सीख लिए. अब अपन ने दो वर्णों वाले शब्द सीखे थे. अब आप दो वर्णों से और शब्द बनाना सीख लिए. जो अपन ने वर्णों वाले शब्द बनाए थे उनसे और भी आप उनको वर्णों को जोड़कर बना सकते हैं. ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए, पहला है न ल. क्या है ये? न ल नल. नल जानते हैं ना, न ल नल में से आपको अब इसमें से न को हटाना है. ठीक है बेटा, मैं को पहला वर्ण आपको बदल कर नए शब्द बना दे. तो पहला वर्ण क्या है इसमें? न. पहला वर्ण क्या है इसमें? न. तो आपको न को हटाना है और ल लिखना है. तो देखिए इसमें मैंने लिखा है फल है फल. ठीक है, फल है फल. और अब आप बताइए और दूसरा शब्द कौन सा बन सकता है इसमें? दूसरा शब्द बन सकता है इसमें देखिए, है और ले. है ले फल. इसमें क्या बन सकता है दूसरा शब्द? है ले फल. क्योंकि अपन ने इसमें नए हटा दिया और ले जी चीज है, तो फल है फल और है ले फल, ये दो नए शब्द बन गए. ठीक है, अब इसमें यहाँ लिखा हुआ देखिए सेकंड बेटा, घर है घर. इसमें क्या लिखा हुआ है? घर है घर. अब घर है घर से आपको घर को हटाना है और वह पॉजिटिव रखना है. तो आप दूसरे दो शब्द बनाएंगे तो उसमें अपन ने फर्स्ट लिखा हुआ है कै कै है कब. कै है कब. ठीक है, और नेक्स्ट है डर है डर. डर है डर. अब अपन ने इसमें घर हटाकर कै लिख दिया है और इसमें अपन ने घर हटाकर डर लिख दिया है. तो ये दो नए शब्द अपने बन गए. ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट है टैब है टब. टैब है टब है. अब अपन ने इसको क्या करना है? टैब को पहला वर्ण हटाना है, इसका टैब हटाना है, फिर अपन को दो शब्द नए बनाने. ठीक है बेटा, दो शब्द अपन को नए बनाने हैं. तो आप क्या मन करेंगे? अब इसमें आप टैब हटाकर से लिखेंगे, तो से और बे. से बे सब, ये नया शब्द बन गया से बे सब. अब टैब को हटाकर अपन ने यहाँ पे लिख दिया है के, तो कै है कब. ये दो शब्द नए बन गए आपके, दो शब्द नए बन गए. कै वर्ण को हटाकर अपन ने नो दो शब्द नए तैयार किए. ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ये है बैस है बस. ओके, ये क्या है? बैस है बस. अब अपन को पहला वर्ण क्या हटाना है? पहला वर्ण क्या हटाना है? बै. तो आप पहला वर्ण बै हटाएंगे तो इसमें अपन लिखेंगे फैस है फस. फैस है फस. ठीक है, अब सै को अपन ने एज इट इज रखा है. फैस में फस बन गया शब्द और एक और शब्द बनाना अपन को. तो बै को हटा के अपन जय लिख दिया अपन ने, जय से जस. जैसे